सजदे में सर झुकाए, सितारे करे चाकरी, कायनात का हर कतरा इन पे बल बल जाए। मंदिर के दीपक सी है ये मस्जिद की पाक जान है, गिरजा की घंटी सी पावन गुरुवाणी सी ये महान है। फिर क्यों इतनी बेटी पे यारी चलती है, फिर क्यों बेटी की चिता गर्भ में जलती है। मत कम माँ को ये फलक से उतरी हुई सी है परियां, और सोच बदल के देखो पल दो पल के लिए, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां, बड़ा नाम करेंगी रोशन बेटियां। नमस्कार, इस्तकबाल, खुशामदीद, मैं धनराज दाधीच आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मुझे नीलम मुकेश वर्मा की चार पंक्तियां याद आ रही है कि बोल दो आकाश को हम आ रहे हैं नापने, बोल दो आकाश को हम आ रहे हैं नापने, रुक नहीं सकते मिले तूफान भी यदि सामने, शब्द नामुमकिन हमारी शब्द सूची में नहीं, जोश जज्बा देख खुद लगती थकावट हाँपने, जोश जज्बा देख खुद लगती थकावट हाँपने। सचमुच हमारे प्रदेश की ऐसी सैकड़ों बेटियां हैं जिनका साहस ऐसा कि तूफानों से टकरा जाए, हौसला ऐसा कि चट्टाने चूर चूर हो जाए, और सपने ऐसे कि आसमान कम पड़ जाए। और आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जिसने अपने हौसलों के पंखों से सफलता के आसमान को छुआ है, जिस पे पूरे राजस्थान को अभिमान है, जो मोई थाई क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, और जो देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में शामिल है, और उस बेटी का नाम है रिचा गौड़। रिचा, आपका हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। रिचा, आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए डालते हैं आपके जीवन पर एक खास नजर। दिल में अगर कुछ करने का जज्बा, जुनून और साहस हो तो मंजिलें खुद ब खुद कदम चूमने लगती है। ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने अपने हौसलों के पंखों से सफलता के आसमान को छुआ है, और उस बेटी का नाम है रिचा गौड़। 10 दिसंबर 1993 को जन्मी रिचा ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। यह पिता दीप सिंह के लिए थोड़ा चिंता का विषय था कि पुरुषों वाले खेल को बेटी किस तरह कर पाएगी, ऊपर से सामाजिक दबाव। माँ भी हर बार आशंकित रहती, पर बेटी के जिद, जुनून और लगन को देख माता पिता भी उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगे। देखते ही देखते रिचा आसमान छूने लगी और ताइक्वांडो में कई नेशनल गोल्ड जीत लिए। 2012 में रिचा का मोई थाई नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से सिलेक्शन हुआ। इसमें रिचा ने गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया, और इसी साल रिचा को मोई थाई क्वीन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद लगातार नेशनल गोल्ड जीतकर हैट्रिक बनाई। रिचा ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक दिलाए। 2015 में इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए साउथ एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज रिचा अपनी अकेडमी चलाती है और कई युवा लड़के लड़कियों को इस खेल के लिए ट्रेनिंग देती है, और अब तक 50,000 लोगों को सिखा चुकी है। रिचा ने कई बार पुलिस, होमगार्ड, शारीरिक शिक्षक आदि को भी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा उसने कई अपनी कलाएं भी इजाद की है। रिचा ने 30 जून को प्रो कबड्डी लीग के लिए राष्ट्रगान भी गाया है। रिचा चाहती है कि बेटियों को इस फील्ड में आगे आना चाहिए, क्योंकि इस खेल के माध्यम से वे अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। रिचा की इन्हीं उपलब्धियों के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में शामिल कर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया है, जो बेहद गौरवपूर्ण बात है। आज पूरे राजस्थान को रिचा पर अभिमान है। ऐसे ही नाम रोशन करती है बेटियां, और इनकी रोशनी सारी कायनात के अंधेरे को खत्म कर देती है। रिचा, आपकी उपलब्धियों को देख के ऐसा लगता है कि बेटियों को अगर अवसर दिए जाएं तो उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है,
बेटियां जरा भी बेटों से कम नहीं है। बहरहाल हम आपसे मोई थाई के बारे में जानना चाहेंगे, ये मोई थाई क्या है? मोई थाई एक मार्शल आर्ट है, थाईलैंड की मार्शल आर्ट है जिसको रिंग में खेला जाता है और ये फ्री स्टाइल फाइटिंग है जिसमें जो अटैक किया जाता है किक्स का, बॉक्सिंग के पंचेस का, नी अटैक का और एल्बो अटैक का, इन चारों का मिला के ये आर्ट बनी है और ये स्ट्रीट फाइट फाइटिंग में काम आता है। एज ए स्पोर्ट भी मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ राजस्थान में और सेल्फ डिफेंस में भी ये आगे सहायक है। ये गर्ल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इसमें अटैकिंग सिस्टम ज़्यादा है और सेंसिटिव पार्ट्स पर अटैक करना, रिब्स पे अटैक करना, नेक पे अटैक करना, बिटवीन टू लेग्स अटैक करना, तो ये कॉम्बिनेशंस कुछ सिचुएशंस पे बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए और आप फाइट आमने सामने फाइट में ये काम आती है। रिचा, मार्शल आर्ट एक मेल डोमिनेंट फील्ड है जी। आपने इसे अपना करियर कैसे बनाया? मैं 6 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट करा स्कूलिंग लेवल पे। हमारे स्कूल में क्लासेस चलती थी टाइकोंडो की, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था क्योंकि मैं टॉम बॉय टाइप रहती थी, मैं स्पोर्टी रहती थी हमेशा। मैंने बास्केटबॉल खेला, एथलेटिक्स खेला, सारे गेम्स खेले, तो सारे टूर्नामेंट्स भी खेलती थी मैं, एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थी। तो जब मैंने टाइकोंडो के टूर्नामेंट्स में स्टार्ट करा इंटर स्कूल में, पहले ही मेरे गोल्ड लगा, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट की हुई और मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आगे लेके जाऊँ और मैंने ये जर्नी शुरू भी करी और पीछे मुड़ के अभी तक नहीं देखा। शुरुआत कब हुई आपकी? जब मैं 6 साल की थी और मेरा पहला इंटर स्कूल में गोल्ड मेडल लगा था, वहाँ से मेरी लर्निंग स्टार्ट हो गई थी और मैंने वो लाइन छोड़ी नहीं और उसको पकड़ के आगे चल दी गई। आप हमें अपने बचपन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। फादर का काफ़ी सपोर्ट रहा है क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि आपको जो भी करना है लाइफ में आप अपना 100% देके करो और हमेशा वो सपोर्ट करते थे, चाहे स्टडीज़ हो या फील्ड हो। और फैमिली को भी उन्होंने पूरा सपोर्ट देके मुझे पूरा टाइम दिया है क्योंकि हम जो टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे, कहीं कहीं जगह ऐसी थी जहाँ पे टीम नहीं है, आप अकेले जा रहे हो, तो पापा मैं अपनी जॉब से छुट्टियाँ लेके मेरे साथ जाते थे। आपकी परवरिश में माँ की क्या भूमिका रही? मदर की सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है क्योंकि मेरी जो डाइट है और जो मेरे जो स्केड्यूल है वो मेरी मम्मा मैनेज करती है, देखती है मेरे ऊपर, क्योंकि हम थक के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी डाइट मिस कर देते हैं, तो मेरी मदर का काफ़ी रोल रहा है। कई मैचेस में हारी हूँ, जीती भी हूँ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है और मोटिवेट करा है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे भगवान समान है। क्या आपने कभी कोई सामाजिक दबाव महसूस किया? जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था शुरू में मेरे पेरेंट्स चाहते थे, क्योंकि हमारी फैमिली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो मेरे फादर और पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करूं। बट जब भी मैंने 2 साल के लिए मैंने गेम छोड़ा भी 11th और 12th में, क्योंकि 12th बोर्ड्स आ गए थे उस वक्त, तो जब मैंने छोड़ा तो मैंने देखा कि ये स्पोर्ट ऐसा है जिसको प्रैक्टिस करे बिना, खेले बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। और एक पैशन बन चुका था, एक ज़िंदगी का मकसद बन चुका था टाइकोंडो मुआय थाई, जिसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आता था। और मैं सपना देखती थी कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और भारत के लिए मेडल लेना चाहती हूँ, तो ये अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में मैं लग गई। शुरू में रिलेटिव्स ने भी कहा कि ये थोड़ा सा डेंजरस गेम है, फेस पे चोट लग जाएगी, आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, गलत जगह भी लग सकती है, तो अभी गेम मत खेले, ये बॉयज़ का काम है, लड़कों का है। बट मैंने मन में ठान ली थी और मेरे सपनों को मेरे फादर ने सपोर्ट करा। हालांकि मैं थोड़ी सी ज़िद्दी किस्म की हूँ, पर मैंने जब मैंने ठाना कि मैं सही चीज़ में ज़िद कर रही हूँ और उसमें करके दिखाऊंगी, और ये इसको चलते हुए मैंने अब कंटिन्यू करा। अब मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी मेहनत देखी, मेरी लगन देखी, पैशन देखा कि मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी ट्रेनिंग नहीं, वो सब देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया। रिचा, जाहिर सी बात है कि इतना लंबा सफ़र आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मेरे लिए सबसे पहली मुश्किल थी जब मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए पहला कदम रख रही थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उसमें दो जो मुश्किलें सबसे ज़्यादा फेस करी, जो प्रेशराइज़ किया, वो ये था कि हमें फंड्स का सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर ने सबसे पहले अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के मुझे थाईलैंड भेजा। सेकंड थिंग ये था कि एक तरफ तो खुशी थी कि हम लोग, मैं भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, मेरा सपना पूरा हो रहा है, और जबकि पहली बार मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। दूसरा तरफ एक ये भी था कि मेरे सेकंड ईयर के कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स थे, 3 एग्ज़ाम्स क्लैश हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को रिपीट भी करना पड़ा था। तो मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। मेरे फादर ने बोला तुम अपना बेस्ट देके आओ, और मैंने अपना 100% दिया। मैं अपने वहाँ पर रिंग में इंडिया का नाम करने के लिए और अपना नाम करने के लिए, अपने देश को पहचान दिलाने के लिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रिचा, आपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी है? मैंने थाईलैंड और कोरियन के कोचेस से टाइकोंडो
मुआयथाई सीखा है, मुआयथाई को किक बॉक्सिंग भी कहते हैं। इसी के साथ साथ तीसरी मार्शल आर्ट और है जो क्रव मागा, जिसको कहते हैं मिलिट्री मार्शल आर्ट, जो इसराइल सेल्फ डिफेंस, इसराइल पुलिस का कोर्स है। वो ये तीनों मार्शल आर्ट्स को मैं प्रमोट कर रही हूँ और सिलेबस बना रही हूँ आगे से आगे। और जब मैंने सीखना स्टार्ट करा, शुरू में स्कूल के जयपुर के लोकल कोचेज से स्टार्ट करा था, धीरे धीरे ये जर्नी बढ़ती गई, मैं अपनी ट्रेनिंग और टेक्निक को इस कदर शार्पन अप कर लूँ कि राजस्थान के बाहर के खिलाड़ियों के सामने टिक पाऊँ और विजय हासिल करूँ और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने भी टिक पाऊँ। तो इसके लिए मैंने इंटरनेशनल कोचेज से ट्रेनिंग ली, उसके अलावा दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, इन स्टेट्स के कोचेज से जा जा के भी मैंने ट्रेनिंग करी। और कहाँ कहाँ सिखाया आपने? हाँ, राजस्थान में मैंने राजस्थान पुलिस अकेडमी से लेकर स्कूल के स्टूडेंट्स से कॉलेज के स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को और इन्फोसिस को, फिजिकल टीचर्स को, ऐसे करते करते हम लोग, मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी आत्मरक्षा सिखाने की, ये 50,000 स्टूडेंट्स में कवर कर चुकी हूँ और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि 1 मिलियन लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दूँ। ऋचा, आप राजस्थान में और क्या क्या कलाएँ लेके आ रही हैं? टाइकोंडो हमारे राजस्थान में पहले से चल रहा है, मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, जयपुर में काफ़ी प्लेयर्स भी प्रमोट कर रही हूँ और खुद भी खेल रही हूँ। इसके साथ साथ मुआयथाई हमने आगे प्रमोट करा है, जो 5 साल पहले कोई जानता नहीं था। सबसे पहले राजस्थान को मुआयथाई में नेशनल गोल्ड मैंने दिलाया था। और इसी के साथ साथ चलते चलते अब क्रव मागा है, जिसको मिलिट्री सेल्फ डिफेंस बोला जाता है, जो रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिक्सचर है। तो ये प्योर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बना है। किसी ने आपकी गर्दन पकड़ ली, गन रख लिया आपके सामने, या फिर 2-3 जनों ने घेर लिया है, पकड़ के वैन में बिठा दिया, तो ये उन सिचुएशन से टाइप जो है टाइप करता है। तो वो मार्शल आर्ट्स मैं राजस्थान में प्रमोट कर रही हूँ। और क्रव मागा को सबसे पहले मैंने राजस्थान पुलिस पाली में स्टार्ट करके फरवरी में मैंने यहाँ राजस्थान में स्टार्ट किया है। ऋचा, इस स्पोर्ट्स को अगर कोई गर्ल्स या बॉयज अपना फ्यूचर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या स्कोप है? देखिए, मार्शल आर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, कुछ हैं नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, टाइकोंडो हो गया हमारा, बॉक्सिंग है, जूडो है, ये और कुछ नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो एशियन गेम्स में भी हैं, एशियन बीच गेम्स। तो अगर किसी को एज ए खिलाड़ी बनना है और अपने खिलाड़ी के तौर पे, प्लेयर के तौर पे वो अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट स्टेट चैम्पियन बन के, नेशनल चैम्पियन, उसके आगे फिर इंटरनेशनल ट्रायल्स में, तो एक लाइन ये रहती है। दूसरी लाइन ये है कि अगर आपको इस स्पोर्ट्स कोटे पे जो है गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती है पुलिस में। अब इस साल राजस्थान पुलिस में टाइकोंडो एंटर हो गया है, पुलिस गेम्स में आ गया है, वुशु है, वुशु भी एक स्पोर्ट है जो किक बॉक्सिंग से सिमिलर है, वो स्पोर्ट भी आ गया है। और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो देती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, वो एक रास्ता भी है। इसी के साथ साथ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट बन के, खासकर लड़कियाँ एक लड़की जुड़ेगी तो आगे 100 जनों को प्रमोट करेगी। तो फीमेल ट्रेनर्स अगर आती हैं तो अपने जैसी 100 और वो पैदा कर सकती है, बना सकती है। तो एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, कम से कम लाखों कैंप्स लग रहे हैं पूरे इंडिया में। राजस्थान में सीएम के भी स्कीम्स आए हैं जिसमें काफ़ी कैंप्स हैं सेल्फ डिफेंस के। तो एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी अच्छा स्कोप है, और एज अ प्लेयर आप राजस्थान और अपने देश का नाम करें तो वो बहुत अच्छा है। जनरली स्पोर्ट्स में लड़कियों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? स्पोर्ट्स प्लेयर को जयपुर में भी खेलना होता है, अपने ज़िले में भी खेलना होता है, ज़िले से बाहर भी खेलना होता है, राजस्थान से बाहर भी, और इसी तरीके से देश के लिए भी। तो जब मेन दिक्कत ये आती है, जब हम ज़्यादातर मेल कोचेज ही हैं हमारे भारत में, तो मेल कोचेस जब ट्रेनिंग देते हैं या टीम को बाहर लेके जाते हैं, तो वो जब घर से बाहर निकलती है तो पेरेंट्स की चिंता रहती है कि अकेली लड़की अकेली जा रही है, टीम में बॉयज़ ज़्यादा हैं, लड़कियां 2-3 हैं, तो एक कहीं ना कहीं से वो डर बना रहता है, क्योंकि आप अनजान जगह पे ट्रैवल कर रहे हो जिससे आप फैमिलियर भी नहीं हो। इस वजह से काफ़ी लड़कियाँ तो ड्रॉप बैक कर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं आगे स्टेट खेलने में या नेशनल खेलने में, तो आप ये मान के चलिए 60% जो ड्रॉप बैक कर जाती है, 50% ड्रॉप बैक कर जाती है। इस वजह से टैलेंट जो है वो दब जाता है, घर में ही रह जाता है। जब मैं जयपुर में ट्रेनिंग दे रही हूँ, लड़कियाँ अब थोड़ा सा मुझसे शेयर करती हैं, जब मैं टीम लेके जाती हूँ तो थोड़ा सा सेफ़ फील करते हैं और पेरेंट्स भी सेफ़ फील करते हैं, जिससे अब वो बेझिझक होके अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में भी आगे आने दे रही हैं। चाहे आप आत्मरक्षा सीखने के लिए आ रहे हैं तो उसमें भी वो आगे प्रमोट कर रहे हैं। आपका आगे का मिशन क्या है? देखिए, आगे मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। इंडिया के लिए मुझे गोल्ड मेडल लाना है, ये वो टूर्नामेंट्स है जिसकी मैं 4-5 साल से तैयारी कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपनी एकेडमी और एनजीओ के थ्रू सेल्फ डिफेंस को हम प्रमोट कर रहे हैं, और राजस्थान ही नहीं, अभी रिसेंटली हमें हरियाणा पुलिस को ट्रेनिंग देने का भी अवसर मिला है। तो अब राजस्थान के बाहर भी हम वहाँ की महिलाओं को और पुलिस कॉन्स्टेबल्स को, बच्चों को भी हम ट्रेनिंग देंगे।
रिचा, पिछले कुछ सालों में बेटियों के लिए दुनिया काफ़ी बेहतर हुई है। जी आप मानती हैं? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब सेफ्टी की बात आती है, क्योंकि हम वुमेन सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, यूथ सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, कि कैसे हम अपने आप को इस समाज में अपनी खुद की रक्षा कर सके, चाहे वो रेप अटेम्प्ट हो रहा हो या फिर क्राइम्स हो रहे हों या फिर रैगिंग्स हो रहे हों या फिर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हों, तो इस चीज़ को लेकर मैं ये मानती हूँ कि अवेयरनेस बहुत बड़ी है, पेरेंट्स की चिंता बड़ी है। मेरे को एक बार फ़ोन आया था कि क्वेरीज़ के लिए कि मेरी एक साल की बच्ची है, उनको ज्वाइन कराना है। मैंने उनको बोला कि आप पहले उसको चलने दीजिए, थोड़ा बड़े होने दीजिए। तो वो चिंता है जो जो दिखाई देती है, पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ी और गर्ल्स भी खुद अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो गई है। और साथ के साथ सरकार भी बहुत कैंप्स कर रही हैं, हम भी कैंप्स कर रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और एक चीज़ ये भी आई है कि थोड़ा सा नज़रिया भी बदला है, जो भी NGOs हैं हम लोग आपस में जुड़ के, गवर्नमेंट से जुड़ के प्रोग्राम्स करें और इस चीज़ को इस तरीके से लेकर आएँ कि जो गांव में लड़कियां हैं, टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, स्टडीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड पीछे ना रहे और लड़कियां भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के बराबर जो है आगे तक चले। ऋचा, आप देश की 100 प्रमुख महिलाओं की सूची में शामिल हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब हमें कॉल लेटर आया दिसंबर में कि हमें टॉप 100 वुमेन ऑफ 5 राउंड्स हुए थे, फिर लास्ट राउंड में वोटिंग राउंड्स में मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ था, तो वो 30 दिसंबर की रात थी। खुशी से मैं बॉम्बे में थी जहाँ पे मुझे राजपाल यादव जी ने मुंबई ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया था, तो वो एक खुशी थी कि नया साल का ये भगवान की तरफ से गिफ्ट है। और जब प्रेसिडेंट हाउस में हम गए, राष्ट्रपति भवन में गए, वहाँ पे राष्ट्रपति टेबल के साथ हमने बैठ के लंच करा और हमारी अचीवमेंट्स को वहाँ एक तरीके से रिकग्निशन मिला, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि फिर लगा कि हाँ, जो 15 साल की मेहनत है उसको पहचान मिली है पूरे भारत में और वो फल मुझे अभी मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सबसे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही एक ये सब माने कि एक सपना सा जो है वो पूरा हुआ है। ऋचा, आप हमारे प्रोग्राम नाम करेंगी रोशन बेटियां के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इस देश की महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में आप अपना सपना देखते हैं और उसके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, तो ज़रूर अपने सपने के पीछे भागिए और अपने मंजिल को पाने के लिए हर हाल तक, अपने लास्ट मोमेंट तक अपनी मेहनत रखिए। कई बार ऐसा होगा कि मुश्किलें आएंगी, आप गिरोगे फिर उठोगे, तो गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिर के ना उठना बुरी बात है। उठिए, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए, मंजिल भी आपके करीब आती जाएगी। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो भी जो गर्ल्स हैं खासकर, क्योंकि ये बेटियों के लिए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो लड़कियों का टैलेंट को दबाए ना, उनको सपोर्ट करें। जैसे मेरे फादर ने मेरा सपोर्ट करा, मेरे पे ट्रस्ट करा, मेरे सपनों पे ट्रस्ट किया और मैं अब उनका नाम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, देश के लिए भी करती रहूँगी। तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की, सेफ्टी की ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएँ, जो कि एक एजुकेशन के बराबर है जिस समाज में हम रह रहे हैं। दूसरे ज़्यादा जिस भी फील्ड में वो इंटरेस्ट रखती हैं उनको ज़रूर उस लेवल तक पहुंचाने के लिए पूरा सपोर्ट दें, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी मेंस के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे तक चल सकते हैं। ऋचा, आप हमारे इस प्रोग्राम नाम करेंगे रोशन बेटियां में आई, आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करती रहें, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और अपने इस प्रोग्राम नाम करेंगे रोशन बेटियों की तरफ से एक छोटा सा स्मृति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं अक्रॉस राजस्थान। इसके अलावा स्लम्स में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, बाल सभा, मस्ती की पाठशाला, वहाँ से हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन बच्चों को वाकई में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे महकी फिजाओं से है ये, रब की दुआओं से है ये, शुभ कामनाओं से है ये, हर तरफ खुशबू लुटा दे महकी फिजाओं से है ये, हर घर को स्वर्ग बनाती है, आंसू पी के मुस्काती है। क्यों खिलने से पहले मसला जाता है।
फिर क्यों जग इनके मन को समझ न पाता है। खिलने दो इनके